नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएम किसान का जो पैसा 27 तारीख को मिलने वाले हैं, तो बहुत ऐसे किसान हैं जिन किसानों का मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको भी मैसेज मिला है तो आपका पैसा आने वाला है। अगर आपका मैसेज नहीं मिला है तो क्या आपको पैसा मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट है वो क्रैश कर रहा है, आज से ही क्रैश करना स्टार्ट हो चुका है। यानी वेबसाइट में हमें स्टेटस चेक करना मुश्किल हो गया है। बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रही आज की इस वीडियो में उस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, हमने पीएम किसान का जो भी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उसका वेबसाइट हमने खोल लिया है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद देख सकते हैं आप नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ पे जो नाम था उसे बदल करके नाव और स्टेटस कर दिया है, अपने स्टेटस को जाने। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करना है, यहाँ पे कैप्चा, इसके बाद गेट डेटा पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया है, इसके बाद गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। तो स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ है हमारा भी स्टेटस में। एफटीओ प्रोसीड यस है हमारा, लेकिन पेमेंट स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, खाली अभी नौवा इंस्टॉलमेंट है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्या आपका स्टेटस अभी चेक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अगले हमारे इस वीडियो में कॉमेंट करके बताएँगे। और हम चेक करते हैं कि क्या हम अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं ओटीपी के माध्यम से या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे नाव और रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लिया, इसके बाद यहाँ पर गेट डेटा पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। कैप्चा पर हम फिल नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा। अब देखते हैं, हमारे सामने ओटीपी आ चुका है। देखिए हमने यहाँ पे ओटीपी डाली, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देख सकते हैं अभी खुल रहा है। थोड़ा देर पहले हमने ट्राई कर रहे थे तो वहाँ पे नहीं खुल पा रहा था। आप हमें कमेंट करके बताइए, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं क्या आप रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल पा रहे हैं या फिर स्टेटस को चेक कर पा रहे हैं, तो हमें कॉमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला है पीएम किसान का, उसे पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका मैसेज आ चुका है, तो उन किसानों का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो सरकार के पास उसका नंबर अवेलेबल है जिसके कारण उसे मैसेज मिल चुका है। और जिन किसानों का मोबाइल नंबर उसके पास अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के पास मैसेज नहीं आया है और आपको इंतज़ार करना है आज तक, हो सकता है कि आपको भी मैसेज मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय।